देश के सबसे बड़े उत्सव स्वतंत्रता दिवस पर दूरदर्शन किसान अपनी मातृभूमि का नमन और उन करोड़ों किसानों का वंदन करता है जिनके पसीने से उपजे अन्न से हम फले बढ़े जिन्होंने देश को धन धान्य से संपन्न किया नमस्कार मैं हूँ मोनाली साहब आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात संवाद के इस बहुत ही खास अंक में स्वतंत्रता दिवस पर जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधन करते हैं तो वो पूरे राष्ट्र को संबोधन होता है वे उस समय दल नहीं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वे भाषण नहीं करते बल्कि राष्ट्र का आह्वान करते हैं तो 70वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार तिरंगा फहराने के साथ ही अपने करीब डेढ़ घंटे के संबोधन के दौरान ज्यादातर गांव गरीब और किसानों का जिक्र किया आज के बात संवाद में हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं अब हम शुरू करते हैं संवाद संवाद और इस में हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जनाब तारिक अनवर साहब इसके साथ ही भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी साहब और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष जनाब तंजामुल हक साहब और इसके साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और मिंट के कार्यपालक संपादक श्री अनिल पद्मनाभन जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में और स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से संबोधन को सुना है जिसमें खास तौर पर गांव गरीब किसान इसकी आजादी की चर्चा रही है इसके कई जो मुख्य बिंदु है इस आ, संबोधन के दौरान हमने देखा है आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और जिस तरह की हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच बीज खाद सोलर पंप सिंचाई बीमा ई नएम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार गन्ने के बकाया भुगतान इस हर

नहीं देखिए मुझे तो कोई ख़ास बात दिखाई नहीं पड़ी और इसलिए नहीं दिखाई पड़ी कि लोगों की अपेक्षा इससे कहीं ज़्यादा थी क्योंकि उन्होंने आ, सारी चीज़ों का जिक्र किया कि आ, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय वो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो हमारा देश का उत्पादन घटा है उसके लिए जो आ, सूखा एक का बहुत बड़ा कारण था सूखे की वजह से देश का उत्पादन घटा है लेकिन उन्होंने किसानों के उस कठिन परिस्थिति में क्या उनकी मदद सरकार करने जा रही है क्योंकि तो किसान ये अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम कर्ज माफी होगी कुछ ऐसा उनको आ, आ, सं, कुछ ऐसा प्रधानमंत्री की तरफ से तोहफा मिलेगा जिससे वो जिस कठिनाई का वो सामना कर रहे हैं उसमें उनको सरकारी प्रयासों का उन्होंने जिक्र किया है कृष्णवीर चौधरी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने गन्ना किसानों के बारे में भी कहा कि पंचानवेदी जो उनके पैसे हैं बकाया है वो उन्हें मिल चुका है कई योजनाओं का लगातार उन्होंने जिक्र किया कि जो किसानों के लिए और खासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके भले के लिए और किसान जो सरकार है वो किस तरह से इस पर काम कर रही है इसे किस तरह देख रहे हैं आप देखिए बात तो हकीकत है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकताओं में गांव गरीब और किसान को जिस तरह से रखा है और जिन नीतियों पर वो अमल कर रहे हैं उनकी नीति और नियत जो है वो पूरी तरह से कृषि के विकास के लिए है आप अगर देखें बारीकी से अध्ययन करें तो फसल बीमा योजना से लेकर और सिंचाई परियोजना से लेकर सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें बीज के वितरण की बात करें जिस तरीके से अभी जो दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं के लिए मिशन बना के शुरू किया आप तमाम चीजों को गन्ने की जो आपने कहा भुगतान की बात ये हकीकत है कि पंद्रह हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया पिछले कई वर्षों से चला रहा था और एफ का जो सिस्टम को देखें तो पूरा करीब साढ़े पिचानवे फीसदी का भुगतान हो गया है पूरे देश में हो गया है यह सच्चाई है प्रदेश सरकारों का जो अपना हिस्सा होता है वो बकाया कुछ हो रहा है कुछ प्रदेशों में लेकिन केंद्र का जो तकनीक है उससे पूरी तरह क्लियर है ये सच्चाई और गन्ने के किसानों की प्रॉब्लम जो है वो एक दिन की नहीं थी बहुत कई सालों से चली आ रही थी उसका समाधान हुआ है इसमें एक सरकार ने एक सही रूप को सही दिशा दी है और सवाल ये है कि चीनी का उत्पादन, देश की उत्पादन एक दिन में कम नहीं हुआ सरकार ने मिशन की शुरुआत की जो उत्पादन पिछली बार एक लाख टन के करीब था इस बार बीस लाख टन में दालों की बुआई ज्यादा हुई है और मैं कह सकता हूं कि देश में दाल का उत्पादन दो लाख टन से ज्यादा होगा तो सरकार की नीतियां हैं प्रधान का अपनी सोच सोच है जी। और उस सोच को उन्होंने लाल की प्राचीर से देश के अन्य दाताओं का जो दर्द को सामने रखा है वो राष्ट्र को संबोधन है राष्ट्र को समझाने के लिए उन्होंने तमाम चीजों को कहा सिंचाई की बात करें नदियों को जोड़ने की शुरुआत उन्होंने की है तो इसी से उत्पादकता बढ़ेगी उसी से किसान का भला होगा और जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित इस देश में एक लाख गांव में जो खेती की शुरुआत की है और पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो पूरा जैविक कृषि में परिवर्तन करने की जो बात रखी है उससे निर्यात बढ़ेगा तो ये विकास की उन योजनाओं पे काम शुरू किया है सरकार ने जो किसानों को जरूरत है बिल्कुल और एक बार फिर से उस बात को दोहराया है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री है और ये जो सरकार है उसका लक्ष्य है कि पांच सालों में जो किसान है उनकी आय दुग्नी हो जाए उसके लिए तमाम तरह की बात कही उन्होंने तंजामुल जी कई बातों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस पक्ष ने आपको सबसे आकर्षित किया उनके संबोधन किए सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि 2022 तक किसानों की आमदनी रियल इनकम उसको कैसे डबल किया जाए और उसके लिए एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाना एक उसके लिए स्ट्रेटेजीज करना और एक्शन लाना उन्होंने बड़ा एक साफ शब्दों में पहले ही कहा था इससे पहले सबों के लिए किसानों के लिए खाली नहीं पूरे देश के लिए एक संबोधन था कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म ये तीनों चीज में अगर आपने सफलता प्राप्त कर लिया और तो फिर सारे जो प्रॉब्लम्स है गरीबी की किसानों की जो बदहाली है इसकी या बाकी जो भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है ये सारे समस्या का समाधान यहीं पे है सारे प्रॉब्लम्स का जड़ जो है ये इन्हीं में है कि आपने जो रिफॉर्म्स करना चाहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो किया नहीं मार्केटिंग रिफॉर्म्स हो चाहे लैंड लीजिंग रिफॉर्म्स हो चाहे बाकी और पॉलिसी रिफॉर्म्स हो वो आपने किया नहीं, नहीं। तो अभी शुरुआत उसका हुआ है दूसरी बात है कि जो इमीडिएट रिलीफ देने की बात जैसे तारिक साहब ने कहा कि वैसा कुछ मिला नहीं ये एक जो पॉलिसी और डायरेक्शन में जो चेंज है एक आपको देखने को मिलेगा कि खाली ऐसे ही आप कह दें कि माफ़ कर दिया ऋण ऋण माफ़ करने से पूरा बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको आप संभाल नहीं पाते हैं नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में सोचना होगा कि कैसे उनको फैसिलिटेट करें कि बैंक क्रेडिट भी मिले जैसे टेनेंट्स को अब तक कुछ नहीं। मिलता नहीं था नहीं। अब टेनेंट्स को भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा उनको भी इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा डिजास्टर रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा इसके लिए हमने मॉडल मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट बनाया और सारे स्टेट्स के साथ हम उनको परसू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उसको एडोप्ट करिए या इम्प्लीमेंट करिए मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी कर दिया पिछले अभी अट्ठाईस तारीख को यूपी ने पार्सियली किया उड़ीसा ऑलरेडी तैयार है तो सारे इस तरह से माहौल सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में नहीं।, नहीं पूरे देश के लिए एक माहौल बनाने की हो रही है कि कैसे रिफॉर्म्स लाए जाए कैसे उसको फिर इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं करके गति को स्पीड प्रोग्रेस की जो गति है जो डेवलपमेंट की गति है उसको तेजी से लाया जाए और उसमें तेजी ला के फिर लोगों को उसका फायदा उठाया जाए और जो जिस किसान और गरीब लोग जिस दलदल तो में इस पर है ये उस प्रतिक्रिया उसको लेकर तारीख साहब से भी ले लूँ जो जैसा कि बताया है तंजामुल जी ने उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और साथ ही जिस तरह की लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि सिर्फ नीति की बात नहीं है बल्कि नियत और निर्णय की भी बात है और सरकार जिस दिशा में चल रही है है। उन्होंने स्पष्ट किया है 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 कि कि वो 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 कोई शॉर्टकट नहीं अपना नहीं अपनाने जा रहे रहे है, तो रहे हैं रहे हैं हैं अगर की बात तो तो सीधे लोगों के खाते में 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 पैसे पैसे दे बल्कि यानी कम उन्हें मिले इसकी व्यवस्था कर इस इस तरह से सरकार जो है, वो इस रास्ते पर चल रही देख जी, जबकि जी। जो टर्म है पाँच साल का वो 2019 में समाप्त हो जाएगा तो ऐसा लक्ष्य जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है आगे देश की जनता उनको चुनकर दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है लोकतंत्र में और वो 2022 का लक्ष्य मान रहे कि 2022 में दुगना होगा तो आज किसान क्या करेगा जो किसान ने आत्महत्या कर रहा है वो 2022 तक इंतजार नहीं कर सकता है लेकिन उसके आपको लिए प्रयास नहीं, अपसे नहीं, अपसे नहीं प्रयास ठीक है वो आप दूरगामी एक प्रयास कर रहे हैं एक शॉर्ट टर्म प्रयास होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म रिलीफ होनी चाहिए वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है आप पे सिर्फ भाषण दे रहे हैं बता रहे हैं कि हम ये करेंगे क्या हो सकता आप, आप करेंगे वाली बात क्योंकि कर रहे हैं ये जो जमीनी स्तर पर जब बदलाव होता है तो उसमें जाहिर तौर पर वक्त लगता है कृष्णवीर जी आपका क्या कहना है इस पर देखिए मैं दो बातें कहूंगा सरकार ने जिस तरीके से सब्सिडी के पैसे को सीधे खातों में जमा किया है उसके दो उदाहरण देश के सामने पहला एलपीजी का और दूसरा खाद्य वितरण के सब्सिडी का खाद्य वितरण में अगर हम बात करें तो लगभग दस हजार करोड़ रुपया का जो है वो पैसा गरीबों की योजनाओं में लगा है दूसरा एलपीजी में कितने भारी पैसे को बचा है और उज्ज्वला योजना में जो सरकार ने गरीब महिलाओं को जिस तरीके से मुफ्त गैस सिलेंडर और गैस देने की व्यवस्था की है ये एक अच्छी शुरुआत है और उर्वरक सब्सिडी की बात मैं कहूंगा उर्वरक सब्सिडी भी सीधे किसानों के खाते में जाने की बात हम तो एक दशक से ज्यादा से करते चले आ रहे इसलिए कि उसका भी लाभ जो है किसानों को नहीं मिल पा रहा था कब तक उसको हम कर्जे में दबाए रखेंगे सरकार ने मैं एक बात में कह सकता हूं तारिक भाई कि पहली बार किसी सरकार ने उर्वरकों के दाम डीएपी से लेके यूरिया से लेके एनपी के तय ढाई सौ रुपए डीएपी पे कम किया डेढ़ सौ रुपए उसमें किया तो इतने सही तरीके से किसान को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए रही उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई के संसाधन उर्वरक क्षमता दो चीजें हैं तीसरा है गांव में रोजगार के लिए फूड और प्रोसेसिंग का जो है फूड प्रोसेसिंग की जो बात कही है और सरकार ने जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कहा है उससे रोजगार बढ़ेंगे गांव के लड़के लड़कियां जो है वो उसमें भागीदारी होगी तो तभी उनको रोजगार मिलेगा तभी आर्थिक रूप से लाभ होगा अगर छोटी जोत पे हम निर्भर रखें डॉक्टर टीएक ने सही कहा मैं भी उस बैठक में था लैंड लीजिंग का जो एक एकड़ और आधा एकड़ का किसान है अगर हम उसी एरिया के किसान को हम पचास एकड़ तक की सीमा में बांध के लैंड लीजिंग की परमिशन दे दें तो वो अपने एक ट्रैक्टर से और एक ही ट्यूवेल से पचास एकड़ तक का खेती में सुधार कर सकता उत्पादकता कर सकता बाकी लोगों को एक एश्योर्ड गारंटी में वो अपने पड़ोसियों को पैसा देगा तीसरी बात उनको रोजगार करने के लिए और उनको टाइम मिलेगा तो सुधार की आवश्यकता थी आज हो रही है शुरुआत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि इन योजनाओं का परिणाम गांव के उस अन्नदाताओं को जिसने एक 128 करोड़ की जनता का पेट भरा है उसको इसी तरीके से मिले उनका लाभ जरूर मिलेगा अनिल जी आप हम कब तक किसान को कर्जे में दबाए रखना चाहते हैं सरकार से मैं ये आशा करता हूं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कृषि को मजबूती से आर्थिक रूप में रद्द करने की बात की है किसानों को इस तरह से ईमानदारी में अगर उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा तभी किसान जी, जी। किसान और इसके लिए कई स्तर पर प्रयास हो रहे हैं अनिल जी और जिस तरह से तारीख साहब ने कहा भी कि ये शॉर्ट टर्म प्लान बनाना चाहिए क्या आपको लगता है कि ये साल का जो वक्त है क्या वो शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है यह क्या बहुत ज्यादा वक्फा है या फिर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का ये टर्म तो पूरा हो जाएगा और अगली बार सरकार में चुनकर कौन आता है लेकिन खुद इसका जवाब प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से भी दिया है उन्होंने केवल अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताया बल्कि उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि पिछली सरकारों ने जो योजनाएं चलाई और जो अधर में लटकी हुई थी उसके लिए भी सरकार प्रयास करिए। तो ये तो सतत प्रयास का विषय है बिल्कुल वो एक्चुअली इन जो ने कहा और जी, नो भाई साहब ने कहा कि ये विचार का एक एक एक, 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 एक मतलब रीथिंक है यू नो you know, ये आ, मैं पहले भी बोला था फिर दोहरा रहा हूं कि एक एक नया अप्रोच ला रहे हैं ये एग्रीकल्चर में जो बहुत जरूरी है जैसे हक साहब ने कहा ये ऋण माफ जो ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोचिंग एग्रीकल्चर है वो अभी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि जो प्रॉब्लम है कि रिस्क जो है ये आत्महत्या जो साहब ने कहा तारिक साहब ने ये इसलिए हो रही है क्योंकि रिस्क इन एग्रीकल्चर ग्रोइंग

कमर्शियल टर्म्स पे है नहीं। ये नहीं कि जैसे ऋण माफ़ किया वैसे जो कन्वेंशनल वो भी चाहिए क्योंकि जब सूखे से गुजरा है भारत दो बहुत ही भयंकर सूखे से गुजरा है तो उसमें ऋण माफ़ी भी एक एक पैकेज

सच बात है कि किसी किसी भी किसान से पूछे वो कहेगा कि आज के दिन में खेती बाड़ी में जो खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी ने आज कहा इस बात को उल्लेख किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना है अब घटाने के लिए क्या होगा जैसे आपने इरीगेशन यूज एफिशियंसी बढ़ा दिया उन्होंने क्या कहा कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर और इसी तरह से जो स्प्रिंकलर इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन वगैरह करके कैसे सोलर पम्प का जिक्र किया इसी तरह से सॉयल हेल्थ करके प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाइए और इनपुट यूज कम करिए उन्होंने कहा कि 25 परसेंट तक इनपुट कॉस्ट आपका कम हो जाता है इससे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और एक्सपोर्ट करने के भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह से करके कैसे किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाएं कैसे उनका इनकम बढ़ाएं जिसमें जैसे मार्केटिंग मार्केटिंग की बात है कि ये मार्केटिंग वगैरह का जो अभी चल रही है मार्केटिंग राष्ट्रीय कृषि बाजार का तो ये सारे चीज़ों से किसानों का हालात में सुधार आएगा और उन्होंने ये भी कहा क्लियरली कि हम पार्टी के लिए खाली नहीं सोच रहे हैं हम आखिरी मोड़ पे या आखिरी पे जो किसान हैं या गरीब लोग हैं उनके कैसे भला हो उनके कैसे उत्थान हो उसके बारे में हम सोच रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि एक क्लियर कट एक मैसेज तो सभी लोगों को गया है लेकिन इसमें खाली उन अच्छा फिर इंश्योरेंस की बात आपने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस में प्रीमियम रेट्स को घटाया गया हर एक तरह के रिस्क को कवर किया गया जो स्वयं से लेके आखिरी जो पोस्ट हार्वेस्ट में हार्वेस्ट करने के बाद भी अगर फसल पड़ा हुआ है उस वो नुकसान का भी भरपाई के लिए अभी बात इसमें इंक्लूडेड है लेकिन इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कॉपरेशन चाहिए अभी कई स्टेट्स अभी आगे ही नहीं आए तमिलनाडु की तरफ प्रॉब्लम है पंजाब के तरफ से प्रॉब्लम है कई और स्टेट्स की तरफ से प्रॉब्लम है तो सारे लोगों का जब तक सही एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा क्रूसियल रोल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी परस्पेक्टिव दे सकती है बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन का जो मेन रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है तो सारे लोगों का एक तालमेल चाहिए और प्रधानमंत्री जो आज सोच रहे हैं इसमें सबको सहयोग करना चाहिए जिसमें किसानों का हालत में सुधार हो बिल्कुल तो एक ब्रेक का वक्त हो चला है कृष्णवीर जी में जाते हैं ब्रेक पर जाने से पहले एक प्रतिक्रिया आपसे ले लेना चाहूंगी कि इस पूरे संबोधन में किसानों को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल केंद्र बिंदु में रखा है उसे किस तरह से देख रहे हैं मुख्य बातें क्या संदेश, किसानों तक और तक जाती है। स्वागत करता हूँ और देश के कोने कोने का हर किसान उस बात का स्वागत करेगा जी। क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं आज उन्होंने रखी है राष्ट्र के लिए सरकार जो है उसकी प्राथमिकता सबसे पहले कृषि है क्योंकि इस देश का आर्थिक ढांचा अगर आप देखें आज भी कृषि पर निर्भर है और कृषि के जितना तरक्की होगा उतना ही देश आर्थिक रूप से समृद्धशाली होगा मजबूत होगा और कृषि में रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे यही एक एक हमारे पास रास्ता है एक बात मैं आपको याद दिलाऊं पिछले दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम में जब हमने रेल राज्य मंत्री जी से मनोज सिन्हा जी से कहा था उसको सरकार लागू कर रही है अभी कि तमाम जो सुपरफास्ट ट्रेन है उनमें जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसमें किसानों को अपना माल पहुंचाने के लिए एसी बोगीज की व्यवस्था था सभी ट्रेनों में सरकार कर रही है तो ये एक हर हर फील्ड के अंदर जहां भी आवश्यकता है उसको सरकार प्रयास कर रही है तो इस तमाम नीतियों का और ऐसे प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री बिल्कुल तो यानी कि केवल नीति के जो स्तर तक की बात नहीं है बल्कि एक साफ नीयत भी है और निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं उस पर काम भी चल रहा है तो हम भारतीय जो है उसमें एक खास बात बिल्कुल होती है कि कितने भी दल हो कितने भी विचार हो पर जब देश की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं और देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर पर हम इसी अनेकता में एकता की भावना के साथ साथ वाद संवाद कर रहे हैं इस समय वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद भी वाद संवाद जारी रहेगा गांव गरीब और किसान की आजादी बने कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं कैसे उठाएं इनका लाभ जानिए अपने गांव का हाल देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे हर गांव पर नजर हर तकनीक पर पकड़ खबर मौसम की हो या हो हार्ड बाजार हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम सात बजे तो स्वागत है आप देख हैं दूरदर्शन किसान और इसमें बहुत ही खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं गाँव गरीब और किसान की आजादी पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है जिसके केंद्र बिंदु में गांव गरीब और किसान रहा है उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं तारिक साहब मैं आप ही से जानना चाहूंगी इस जो संबोधन आपने सुना और उसमें किस तरह से जो पिछले संबोधन है प्रधानमंत्री के उन्होंने उनमें कई योजनाओं का जिक्र किया था और आज एक तरह से उन्होंने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिया है कि उन तमाम योजनाओं पर किस तरह से काम हो रहा है तो क्या ये एक सकारात्मक चीज नहीं नजर आ रही है नहीं मेरा तो ऐसा मानना है कि वो राष्ट्र को संबोधन नहीं था एक चुनावी भाषण की तरह वो बात कर रहे थे और उसमें सच्चाई कम थी और जैसा मैंने कहा कि किसानों के बारे में जो बहुत कुछ कहा जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि किसान ये सोच रहा था कि उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ेगा क्योंकि स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के आधार पर जब प्रधानमंत्री बनने से पहले इस बात को बार बार उन्होंने चुनावी घोषणा की थी या चुनाव के दौरान में कहा था कि जो मूल्य लगता है कृषि में उसका करीब 50 प्रतिशत बढ़ाकर जो स्वामीनाथन जी ने रिकमेंडेशन किया था उसको इम्प्लीमेंट वो करेंगे तो लगभग ढाई साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया और प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी नहीं किया कि हम आने वाले समय में न्यूनतम मूल्य बढ़ाएंगे और उसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा तो एक तो ये मैं मानता हूँ दूसरा ये कि ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है लेकिन जब तक उसका सीधे तौर पर किसानों को फायदा नहीं होता है तो आप सिर्फ आश्वासन देकर कब तक उनको आगे आगे दे बचा, बचा कर रख सकते हैं तो आ, महंगाई का जहाँ तक सवाल है हाँ। आज महंगाई खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सब्जियों की कीमत बढ़ी है दाल तो आज गरीबों की थाली से गायब हो ही चुका है लेकिन अब ये जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा कि आने वाले समय में दाल की, की कमी दूर हो जाएगी सवाल यह कि ये तो हर साल ये इस तरह की बातें होती हैं तो पहले से सरकार ने क्यों नहीं प्रिकॉशन लिया पहले से क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया कि आने वाले समय में इस तरह की कठिनाइयां होंगी इस तरह चीजों की दाम चीजों की कीमत बढ़ेगी तो उसको रोका जा सके दूसरा कहा जा रहा है खाद की कीमत हम घटा दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत घटी है तो उसका लाभ मिला है कोई आपकी आ, अपना इनिशिएटिव सरकार का, का जवाब मैं कृष्णवीर जी से ले लेती हूँ कि इसमें सरकार का प्रयास किस तरह से रहा है आ, बताएं देखिए वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँ आज़ादी से लेकर आज तक का जो रहा है पहले आ, तारिक भाई कह रहे थे कि दालों की और सब्जियों के भाव बढ़े हैं जो भाव बढ़े हैं उसका लाभ किसानों तक कैसे मिले जी। पहला सवाल उसके लिए जो राष्ट्रीय बाजार की बात सरकार ने की है जिस तरीके से कूलिंग चेन और सुपरफास्ट ट्रेन में एसी बोगी जोड़ने के लिए पेरिशेबल आइटम्स को मेन बाजार में जोड़ने के लिए और किसानों को उसका उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलने की जो बात की है इसी तरीके से अगर आप देखें दो साल से पहले सूखा पड़ता चला आ रहा था तारिक भाई आप ये बताइए कि क्या सूखा मेरी बात एक दिन में दालों की कमी नहीं आई दालों की कमी बहुत लंबे समय से आ रही है ना एक दिन में खपत बढ़ती है एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हमारे ये रहा कि इस देश में आज तक कृषि के किस किस उत्पाद की कितने उत्पादों की क्या योजना होनी चाहिए हमने उन योजनाओं पर काम नहीं किया था कितना हमको गन्ना चाहिए प्रतिवर्ष कितना हमको दाल चाहिए प्रतिवर्ष कितना कितना एरिया हमको करना लैंड यूज एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल में क्या करना चाहिए हमको दूसरे मार्केटिंग में कितना करना है। हमारी तो कोई प्लानिंग नहीं रही थी नहीं। अब बीमे की बात जो इसलिए मैं कहूंगा कि लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा वो एक अलग बात हुई लेकिन अगर फसल पूरी बर्बाद हो गई तो पहले पचास फीसदी बर्बाद होने पर मिलता था आज हर गांव पहले एक ब्लॉक बर्बाद होता था तब मिलता था प्रधानमंत्री जी ने पचास फीसदी घटा के तैतीस फीसदी किया उसकी हमने का, बात रखी थी आज जो किया है आज हर खेत का हर किसान का जो नुकसान अगर होगा तो उसकी भरपाई फसल बीमा में की जाएगी तो ये जो मरने की आत्महत्या की नौबत होती थी खेत से कटने के बाद बरसात हो गई नुकसान हो गया कुछ और नुकसान हो गया उस सबको बचाने के लिए जो फसल बीमा में कवरेज दी गई है ये एक ऐसा कदम है जिसे किसानों की जान बचेगी अब रही दाम की बात बात बड़ी हम आगे चर्चा को ले जाए इससे पहले मैं चाहूंगी मैं दर्शकों को यह भी दिखाऊंगी की किस तरह से इससे पहले के ये मौके आए जब लाल किले के, के प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया ये तीसरा मौका था जब उन्होंने देश के सबसे गौरवशाली मंच से राष्ट्र को संबोधित किया लेकिन पहले के अवसरों पर उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था आइए एक झलक देख लेते हैं कि इससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था सुजलम सुबलम फलय दिशितासस्य शामला मातरम प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं जो लोग कभी बैंक नहीं गए पहली बार बैंक उनके पास गया वंचित लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए अब तक 22 करोड़ 21 लाख खाते खोले जा चुके हैं और इनमें चालीस करोड़ पचासी लाख रुपया जमा भी हो चुका है स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी दो अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है हिंदुस्तान के सभी स्कूलों में टॉयलेट हो बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़कर के भागेगी नहीं पूरे भारत में जोर शोर से जारी है यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक दो करोड़ तेरह लाख इक्कीस हजार 448 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है अब देश में तिहत्तर ऐसे गांव हैं जहां लोग खुले में शौच नहीं जाते देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट यह हमारा मिशन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई इस योजना के तहत देश में अब तक छह प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और इनकी मदद से 80 लाख तैतीस हजार दो निन्यानवे लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है इनमें से उनतीस लाख उनचास हजार एक लोगों को रोजगार भी मिल चुका है हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाए एक दिन के नब्बे पैसे एक रुपये से भी कम साल भर के 330 रुपया आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आपके परिवार की सुरक्षा के लिए दो लाख रुपयों का बीमा सिर्फ नब्बे पैसे दो रोज के हमने किया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 अगस्त 2016 तक तीन करोड़ सैंतीस हजार लोग शामिल हुए वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में पहली अगस्त 2016 तक नौ करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार लोग शामिल हुए हैं पचास हजार करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हमने लगाने का तय किया है और खेत तक पानी कैसे पहुंचे और पानी बचाना भी होगा सेव वाटर सेव एनर्जी सेव फर्टिलाइजर इस मंत्र को लेकर के हमने हमारे कृषि जीवन में आंदोलन खड़ा करना देश में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। इस साल खरीफ फसल से लागू इस योजना में अधिकतम प्रीमियम केवल दो प्रतिशत ही रखा गया है इसके अलावा मौसम आधारित फसल बीमा योजना और एकीकृत फसल बीमा योजना भी पायलट आधार पर शुरू की गई है आजादी का सूरज, आजादी का प्रकाश आजादी के विकास की किरणें 18,500 गांव सौ है केंद्र सरकार ने देश के गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की है और इस योजना के तहत देश के पाँच लाख संतानवे हजार चार सौ चौसठ गाँव में से पाँच लाख नवासी हजार चार सौ दस तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है यानी अट्ठानवे फीसदी गांव में बिजली पहुंच चुकी है तो इससे पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया उनमें से कई चीजें जो है वो अब धरातल की जमीन पर आ चुकी है और उस पर लगातार काम चल रहे हैं प्रयास चल रहे हैं और इसी का जिक्र आज भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया तारिक साहब जब ये सब आप देखते हैं सुनते हैं तो कैसे क्या इसे नकार सकते हैं कि जो स्थितियां हैं वो पहले से बदली हैं सुधरी हैं किसने इससे पहले गांव के जनजीवन के बारे में इस तरह से सोचा था नारी गौरव के बारे में इस तरह से सोचा था कि खुले में शौच जाना पड़ता था और अब स्थिति ऐसी है कि कितने गांव है जहां पर शौचालय का निर्माण हो चुका है ठीक है काम अभी बाकी है लेकिन ये कार्य जारी है इस तरीके से कितने लोगों ने सोचा था देखिए पहले तो मैं चौधरी साहब की उन बातों का खंडन करूंगा कि अभी तक यानी जब तक यूपीए की सरकार थी तो हमारी कृषि नीति उस ढंग की नहीं थी जिससे हम स्वावलंबी बन सके लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि हमारा देश स्वावलंबी बना एक समय था कि हम विदेश से अनाज मंगाया करते थे लोगों के पेट भरने के लिए लेकिन आज हम निर्यात करते हैं बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ रुपया हम उससे आ, विदेशी मुद्रा हमको हासिल होता है उसके बाद हमने हरित क्रांति लाया और हमारी आज जो फूड सिक्योरिटी आज इस देश में है वो इसी वजह से है कि जो पिछली सरकार थी यूपी की उसकी सही नीति का ही ये देन है कि आज है हमारे पास इतने अनाज हैं कि भंडार नहीं है आपको भंडार बनाना पड़ रहा है उनको रखने के लिए तो ये हमारी उपलब्धि है कृषि की और हमारे समय में जब यूपीए की सरकार थी तो तीन दशमलव आठ प्रतिशत हमारा ग्रोथ था एग्रीकल्चर में।, में आज वो घट कर, कर, थे और आज घटकर एक दसमलव छ हो गया बीच में तो माइनस में चला गया था अब आप कहेंगे नहीं सूखा पड़ गया तो सूखा और प्राकृतिक प्रकोप हमारे समय में भी पड़ता था यूपीए सरकार को भी इसको झेलना पड़ता था लेकिन हमारी इस तरह की नीति थी या इस तरह का हमारा काम था जिसकी वजह से हम उस तमाम

कि आप ये बताइए कि खाद्य तेलों का आयात जिस तरह से यूपीए की सरकार में बहुत तेजी से बढ़ा क्या वो देश के तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों के लिए नुकसानदायक बात नहीं मानते आप नहीं। तीसरी बात इसमें कि आप ये देखिए कि फलों का आयात बहुत बड़े पैमाने पे इस देश में हो रहा ठीक है उदारीकरण के कुछ समझौते किए हैं उनका परिणाम आज ये हो रहा है तो सवाल यह है कि क्या किया किसानों का चीनी का जिस समय आयात हुआ था तारिक भाई मैंने उस समय शरद पवार जी से विरोध किया था जिस समय गेहूं का आयात किया था बिना वजह तब हमने विरोध किया था पचपन लाख टन की बात नहीं है गेहूं के आयात की यह मात्रा की बात नहीं है जो संदेश हमने दिया वो ठीक नहीं था और मैं 2007 की बात कर रहा हूं गेहूं के आयत की जो मैंने आपसे कहा है। जरूरत नहीं थी उसके बाद भी आयत करना पड़ा कहीं एक दाना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं बटा वो पशुओं के खाने लायक भी नहीं था उसके लिए जिस तरीके से नॉर्म्स में छूट दी गई तो वो हम लोगों की कार्यशैली से मेल नहीं खाता ये कई सारी ऐसी चीजें हैं और रही बात स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट तो वो तो आप ये देखिए 2006 के बाद आ गई थी और वो पेंडिंग पड़ी रही हाँ किसानों को उनका लाभकारी मूल्य आप एक बात बताइए कि गांव में प्याज किस भाव खरीदी जाती थी किसानों से आज भी हुई है ई कॉमर्स e की बात मंडी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां दो रुपये और तीन रुपए किलो प्याज हमेशा बिकी है थोक में और वही प्याज दिल्ली से लेकर और बंबई से लेकर जयपुर तक वो प्याज तीस और चालीस रुपए नहीं पचास साठ रुपए तक बिकी तो अब अगर किसान अपने माल को ई मार्केटिंग के के हिसाब से से वो वो ग्रुप बना और बड़े शहरों में मंडी में ले आएगा तो वो शुरुआत है तीसरी बात आप चौथा पॉइंट है इंश्योरेंस की बात मैंने इसलिए तारिक भाई कही है कि पूरा ब्लॉक बर्बाद होता था मैंने यूपीए सरकार के टाइम भी कहा था कि पटवारी तय करता है अब पटवारी का अधिकार जब तक रहेगा तो सुधार अगर हुआ है आज तो उसका हमें और आपको स्वीकारना होगा कि अब हर खेत की सैटेलाइट से जांच करवा तो कई सुधार हुए हैं जी, जी, मैं, मैं आपके पास आप आना चाहूंगी जी क्या जवाब इसमें कह रहा हूं सब्सिडी का जो पैसा है मनरेगा का जो पैसा है उसका जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा था आज वो जनधन खाते खुलने पर प्रधानमंत्री ने पिछली बार जो कहा था जनधन योजना की बात उन्होंने की उन्होंने लागू करके दिखाया शौचालय की बात उन्होंने पिछली

पिछले दो साल में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत ही आई दर या बहुत निगलिजिबल रहा बात सही है लेकिन उसके लिए मेन तौर पे ड्रॉट ही रिस्पॉन्सिबल है सर तो चूंकि तो आपके टाइम में और भी ग्रोथ नेगेटिव हाई ग्रोथ नेगेटिव था आप 2009 का देखें तो 17 मिलियन टनस अपने फूड ग्रोथ प्रोडक्शन कम प्रोड्यूस किया था उस साल 2009, 2009 की तो बीच बीच में ऐसा आता है सिचुएशन तो उसको तो हम आपको ये करना पड़ेगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करें और कैसे क्रॉपिंग पैटर्न में क्विकली स्विफ्ट करें जिसमें आपको उस तरह का नुकसान किसानों को ना हो तो एक तो वो है दूसरी बात ये है कि जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है उसको तो मैं स्ट्रॉग सपोर्टर भी रहा और काफी एक्चुअली अपने टाइम में जिस तरह से हमने ये दिया था स्वामीनाथन साहब तो बाद में बोले उससे पहले मैं कैच जी मैं पचास परसेंट दे चुका था आपने दे? देने का उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया उसमें हमारे रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भेज दिया उन्होंने छह महीने रखा फिर बाद में सोनिया जिसे पर्सनली मिलके इंटरव्यून करके मैंने करवाया था उसको मैं आपको बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली फिर भी नहीं हुआ था नहीं हुआ था लेकिन कई चीजें खरीफ रिपोर्ट भी रोक रखा खरीफ तो प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि दालों का जो शॉर्टेज है दालों के बारे में मैं कहूँगा खास हुँ। करके हुँ। एक बहुत बड़ा मिसमैच हो गया आज के दिन में 1999 में हम सिर्फ एक लाख दो लाख टन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे आज के दिन में हमें चार पाँच मिलियन टन टन तक इम्पोर्ट करना पड़ रहा है यू ओवर टाइम एक नेग्लिजेंस रहा है मैं कहूँगा पल्स मिशन भी रहा पहले लेकिन उसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतनी कमी रही कि अभी भी दाल का जो आपका एवरेज यील्ड है बहुत लो है

एक पिछले दस नहीं बीस नहीं तीस साल से नेगलेक्ट हो रहा है वो तो सारा फोकस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है अगर आप वो इक्यानवे के रिफॉर्म्स भी देखिए सारा टारगेट रिफॉर्म्स इंडस्ट्री का था तो अब इसमें क्या हुआ एग्रीकल्चर को एक तरीके से फोकस नहीं मिला एंड उसमें एग्रीकल्चर एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी उभर रहा है जो आ, भाई साहब ने कहा हॉर्टिकल्चर ये ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है लेकिन पिछले तीन चार साल से हॉर्टिकल्चर का आउटपुट फूड ग्रेन आउटपुट से ज्यादा है तो ये आपको एक कंप्लीट रीसेट दिखा रहा है एग्रीकल्चर में तो इसमें आप पुराने नीतियों से अगर इससे व्यवहार करोगे तो एक नतीजा उल्टा ही निकलेगा तो उस तरीके से अगर ये सरकार देखे बेबी स्टेप्स कहिए कुछ भी कहिए जैसे तारिक भाई कह रहे हैं कि इनका कोई हमें नजर नहीं आ रहा है सही है अभी अभी किया है तो नहीं

वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का बने रहे हमारे साथ कश्मीर से केरल अरुणाचल से गुजरात कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात देश के हर रंग की बात राज्यों की सोमवार से बुधवार शाम पाँच बजकर तीस मिनट पर आस्था के सागर में हो जाए सराबोर प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन रोजाना सुबह छह बजे के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में आपका फिर से स्वागत है लाल किले की, की प्राचीर से आज तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया जिसमें गांव गरीब और किसान मुख्य तौर पर शामिल रहे क्या कुछ खास उन्होंने कहा है आइए इसके कुछ मुख्य अंश दिखाते हैं आपको किसान को जमीन है अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकते ताकत मेरे देश के किसान में है और इसलिए हमने जल प्रबंधन पर बल दिया है जल सिंचन पर बल दिया है जल संरक्षण पर बल दिया है एक एक बिंद का उपयोग किसान के काम कैसे आए पानी का महत्व कैसे बढ़े पर ड्रॉप मोर क्रॉप भाइयों बहनों मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ साठ साल में चौदह करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने साठ सप्ताह में साठ सप्ताह में चार करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दी भाइयों बहनों, हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना एक प्रकार से असंभव काम था असंभव काम था इतने सालों से बैंक थी सरकारें थी राष्ट्रीयकरण हो चुका था लेकिन सामान्य व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाता था बेनो, 21 करोड़ परिवारों को 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ और यह संभव संभव ये सरकार के खजाने में सरकार की क्रेडिट का विषय नहीं है यह सवा सौ करोड़ देशवासियों ने किया है सत्तर पचहत्तर किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का, का काम हुआ करता था आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं ये ये गति आने वाले दिनों में सामान्य मानवी की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी हमारे देश में ऊर्जा और उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी इस पर हमारा बल है बिल्कुल तो अपने संबोधन में किसानों का खास तौर पर अभिनंदन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और तारिक साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस पूरे भाषण और संबोधन के बाद आखिर में क्या कुछ वाकई आपको सकारात्मक नहीं नज़र आता या फिर क्या कुछ और उम्मीदें आप लगाते हैं सरकार से नहीं देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री की बात को हम पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं करते जी लेकिन पता नहीं चूँकि अभी तक का जो अनुभव है देश का वो ये है कि जितनी भी बातें चुनाव से पहले कही गई चुनाव के बाद कही गई उसमें जुमलेबाजी ज़्यादा थी और हकीकत कम इसीलिए लोगों को मेरा ख्याल है राष्ट्र के लोगों को भी उनकी बातों पर इसलिए विश्वास शायद नहीं होगा नहीं। क्योंकि सब बात वो भविष्य की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में यह होगा जो अभी क्या हुआ है पिछले ढाई सालों में खास के किसानों ने किसानो कि किस उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उस, उस काम उस, में गति आई है कुछ उसमें आप आप देखें हम लोग तो क्षेत्र में जाते हैं वहाँ घूमते हैं जितनी भी बातें कही गई हकीकत से वो कहीं दूर है सच्चाई वो नहीं है जो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जुमलेबाजी जो पहले होती थी वो आज भी हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है लोगों का विश्वास इससे डगमगा रहा है देशवासियों का और खास के किसानों का अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो किसा, किसानों के की आत्महत्या की संख्या क्यों बढ़ रही है, है। मैं ये कृष्णवीर जी आप किसानों के बीच रहते हैं इसीलिए आप ही बताएं कि किसानों के बीच क्या जो भरोसा है वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस किस तरह से हर क्षेत्र में प्रगति हुई है देखिए प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की है वो देश का किसान जान रहा है मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरीके से नदियों की जोड़ने की परियोजना को यूपीए की सरकार में दस साल तक कोई काम नहीं हुआ ये पूरा देश जानता अब पहला उदाहरण मैं केन बेतवा का देना चाहूंगा एक छोटी सी दो नदियों को जोड़ने से बीस लाख किसानों को सीधे सीधे लाभ पहुंचेगा सिंचाई के उसमें जो संसाधन बढ़ेंगे दूसरी बात आप ये देखिए कि मनरेगा में ठीक है प्रदेश सरकारों को जिम्मेदारी है कृषि उनका विषय पहली बार इस बजट में तय किया गया कि पांच लाख वाटर बॉडीज जो है सिंचाई के लिए जो है इस देश में बनाए जाएंगे इस एक साल के अंदर और मनरेगा का पैसे का उसमें सदुपयोग किया जाएगा अगर हम दस साल का उदाहरण ले मनरेगा का तो तीन लाख इकतालीस हजार करोड़ रुपया देने के बावजूद भी दस एक दशक में क्या प्रोडक्टिविटी रही क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहा क्या आउटपुट रहा क्या एम्प्लॉयमेंट रहा वो जीरो बटे जीरो रहा कम से कम कुछ परिणाम होने की बात है और पांच लाख वाटर बॉडीज अगर सात लाख गांव के देश में होंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा हाँ एक चीज जरूर सरकार से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय मंडियों की शुरुआत की है, किसानों के भागीदारी बढ़ाने के लिए किसी विशेष योजना को भी सरकार को सीधे किसानों से कैसे जुड़े उसकी आज आवश्यकता है मैंने इसलिए कहा कि लासल गांव का जो उदाहरण मैंने दिया था पहले इसलिए दिया है कि वो बड़ा उदाहरण है एक प्याज का इसी तरीके से सभी सब्जी फल का बाजार में किसानों की भागीदारी हो पोस्ट हार्वेस्ट में भागीदारी हो कूलिंग चेन

गरीबों को लिए हुए ये जो सपना है ये पूरा नहीं हो सकता बिल्कुल सही कहा आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें कहीं कई चीज़ें मेरे खास खास करके क्लोजली उसको एग्जामिन करने की भी कोशिश किया मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा संदेश गया किसानों के लिए और पूरे देश के लिए और इसमें थोड़ा देखने की भी जरूरत है ये नहीं हर एक देखिए दो साल बदहाली में रहे किसान ड्रॉट के चलते ही और उससे अब इस साल अगर फसल अच्छा होता है तो वो रिकवरी भी हो जाएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का न्यू डाला जा रहा है उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा पाँच साल भी शायद इंतजार नहीं करना पड़ेगा उससे पहले ही देखने को मिलेगा और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इसलिए भी कह रहा हूँ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के एक कमेटी को मैं चेयर करता हूँ एक्सपर्ट कमेटी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम देख रहे थे कि किस स्पीड से पिछले पाँच साल में प्रोजेक्ट्स रुका रहता था मतलब किसी न किसी फिल्म जी ग्राउंड्स पे प्रोजेक्ट्स क्लियर ही नहीं करते थे नहीं। अब भी हमने कम से कम साठ पैंसठ प्रोजेक्ट्स पिछले दो तीन महीने में, जल्दी, में से जल्दी, जल्दी, जल्दी से जल्दी क्लियर जल्दी किया कोई किया। रुकता ही नहीं है अब तो है कि आनलेस कोई वैलिड रीजन्स हो कोई प्रोजेक्ट रुका ही नहीं जाता तो कहने का मतलब ये दिखने को मिलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है और इसका इम्पैक्ट इन चीज़ों का इम्पैक्ट जरूर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्विक रिलीफ इंश्योरेंस में मिलना चाहिए सॉयल हेल्थ कार्ड में जो की बातें हो रही है उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए और किसानों का इनकम जो बढ़ने की उम्मीद जताई गई और उसके लिए जो स्ट्रेटेजाइज करने की बातें हो रही है मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसानों को इसके इंतजार भी करना पड़े तो करना चाहिए बिल्कुल और आखिर में अनिल जी में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन था पूरे राष्ट्र के नाम ये संबोधन था और उसमें सरकार की एक सोच जो है वो झलकती है तो जब वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो आप किस तरह से पाते हैं कि किस से प्रयास चल रहे हैं उसकी गति क्या है और क्या सोच जो है सरकार की वो निकल कर सामने आती है माननीय जी प्रयास साफ नजर आ रहा है हमको अब गति जो है वो तो समय दिखाएगा एंड बट ये बात मुझे अच्छा लगा कि एग्रीकल्चर पे ये तीसरे साल प्रधानमंत्री ने फोकस रखा है बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत लोग भूलते हैं कि आज भी 50 प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में जो होता है एग्रीकल्चर में ही होता है तो ये चाहे इनके जीडीपी में शेयर 10 या 12 परसेंट हो लेकिन इनकी एम्प्लॉयमेंट जो कैपेसिटी uh, है 50 परसेंट है तो वन इन टू पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर तो इस इस बैकग्राउंड में एग्रीकल्चर पे फोकस रखना दो साल सूखे के बाद खास करके एंड ये जो एक uh, विचार का एक uh, एक चेंज uh, जो रीथिंक है, है। तीसरी और फाइनल बात मुझे बहुत ही पसंद है। जी बिल्कुल तो स्वतंत्रता का ये पर्व यूं ही मनता रहेगा और हमारा देश प्रगति के पथ पर इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा गांव गरीब और किसान की आजादी का कारवा भी बढ़ता रहेगा इस पर आज हमने बात संवाद किया और इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही और आप तमाम मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम वाद संवाद में अगले सप्ताह एक फिर एक नए विषय और नए तेवर के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत देखते रहिए दूरदर्शन किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद